औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, और लास्ट सेशन के अंदर हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करने के मेथड को सीखा, उसके अंदर एडिटिंग को देखा, फॉन्ट की बेसिक फॉर्मेटिंग को देखा, क्लिपबोर्ड के बारे में अंडरस्टैंडिंग की, पैराग्राफ को अंडरस्टैंड किया, पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, स्टाइल फॉर्मेटिंग और फाइंड रिप्लेस और सिलेक्शन के मुतालिक हमने कुछ बातें की। आज के इस सेशन के अंदर फिर उसके बाद हमने इंसर्ट सेशन की, इंसर्ट टैब की बात की और इसके अंदर कुछ कमांड्स के बारे में स्टडी किया। आज हम अपने डिजाइन टैब की तरफ मूव करेंगे। डिजाइन टैब में आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं उनका ताल्लुक आपके डॉक्यूमेंट की डिजाइनिंग से होता है। So let's start with the first command, that is your themes. So यहाँ पे आपके पास क्या है कि different kind of themes of your documents are available. Theme कहते हैं appearance को, कि आपके document का जो design है page का, ये actually एक चीज के ऊपर design नहीं करेगा बल्कि हर page के ऊपर ये design use करेगा। तो आप अपनी मर्जी का कोई भी theme इसमें से select कर सकते हैं। अब अगर आपको पसंद नहीं इसमें से कोई आता, वैसे एक पूरी लिस्ट अवेलेबल है यहाँ पे, अगर आपको कोई थीम इसमें से पसंद नहीं आता तो आप ऑनलाइन के लिए भी इसको सर्च कर सकते हैं, ऑनलाइन डाउनलोड करके आप इसको इसके साथ भी अटैच कर सकते हैं। तो मैं भी रैंडमली इनमें से कोई एक थीम सेलेक्ट कर लेता हूँ। सो ये मैंने थीम सेलेक्ट कर लिया इसका। अब उससे अगली चीज है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट का कौन सा वाला थीम का स्टाइल यूज करना है, ये वाला यूज करना है। ओके, कलर स्कीम, कौन कौन से कलर स्कीम यूज करनी है। लाइक मैं लिखता हूँ जी, My name is Vaseem. Okay जी, अब मैं इसको bold करता हूं तो देखें bold में उसका design change हो गया। अब मैं आगे कुछ और भी चीजें लिख लेता हूं, randomly text generate करता हूं यहां पे। So ये theme apply किया इसके ऊपर। अब ये backend पे theme apply हुआ है, आप print preview में जाके इसको देख सकते हैं। ये आपको शायद show नहीं करेगा यहाँ पे, लेकिन ये theme इसका सारा यहाँ पे set हुआ है, यानी कि इसके अंदर जो जो आपने स्टाइल इसके अंदर सेट हुए हैं थीम्स के अंदर, आप वो यूज करेंगे। यहाँ पे देखें ना, जैसे मिनिमलिस्ट, तो इसका अपना एक फॉन्ट स्टाइल है। इसी तरह आपके पास एक और है, उसका अपना स्टाइल है। इसी तरह ये है, इसका अपना एक स्टाइल है, वर्ड 2010 का। ये सिलेक्टेड आपका है, ये बिल्ट इन अवेलेबल है। आप इसमें से फर्दर कोई स्टाइल सर्च करना चाह रहे हैं तो आप वो भी सर्च कर सकते हैं। तो ये इसका ताल्लुक डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग से होता है। इसी तरह फॉन्ट आपने जो भी इसका सेट करना है, अपने सिलेक्टेड टेक्स्ट जो स्टाइल है डॉक्यूमेंट के थीम का, उसका अगर आपने कोई फॉन्ट सिलेक्ट करना है, जैसे ये वाला करना है, देखिए सारा एरियल में शिफ्ट हो गया। सो यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं दोबारा इसके फॉन्ट को कमांडो पे ले जाता हूँ। सो ये एक स्टाइल इसका है। फिर इसी तरह इसकी इसी फॉन्ट की सेटिंग में लाइक पैराग्राफ स्पेसिंग है। होता एक्चुअली ये है कि आप लोग अपने ना थीम खुद सेट कर डिजाइन कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर जी, मुझे पता है कि मेरे डॉक्यूमेंट में हेडिंग के लिए मैंने ये वाला स्टाइल यूज करना है, पैराग्राफ राइटिंग के लिए मैंने ये वाला स्टाइल और फॉन्ट और कलर यूज करना है, पैराग्राफ की स्पेसिंग मैंने ये यूज करनी है, उस पर इफेक्ट मैंने इस तरह के देने हैं। तो वो जो चीजें आपने सेट करनी है, आप वो करके उसको सेट एज डिफॉल्ट करके यहाँ पे जब चेक कर देंगे तो वो आपका डिफॉल्ट हो जाएगा। अब डिफॉल्ट से मुराद क्या है कि वो जो भी सेटिंग्स आपने सेट कर दी होंगी, आप दोबारा जब एमएस ऑफिस खोलेंगे, वर्ड 2016 ओपन करेंगे, तो वो क्या करेगा, आपको उन्हीं सेटिंग्स के साथ ओपन करेगा और बार बार आपको सेटिंग्स नहीं करनी पड़ेगी। जैसे मैं यहाँ पे अपना फॉन्ट अपनी मर्जी का सेट करता हूँ, मैं लिखता हूँ यहाँ से जी कस्टमाइज फॉन्ट, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ माई फॉन्ट, ठीक है जी। और यहाँ पे हेडिंग के लिए मैं यूज कर लेता हूँ टाइम्स न्यू रोमन, और बॉडी के लिए भी मैं यूज करता हूं बुक एंटीका। सो ये मैंने दो सेट कर लिए, मैं सेव कर लेता हूं इसको। अब उसके बाद मैं इफेक्ट इसके ऊपर लेके आना चाह रहा हूं। सो जो भी इफेक्ट आपने, इंसर्ट इफेक्ट है, ओके। पैराग्राफ की स्पेसिंग में मैं कंपैक्ट कर देता हूं उसको, या टाइट, ओपन, रिलैक्स्ड, डबल, या कस्टमाइज पैराग्राफ स्पेसिंग आपने खुद सेट करना है अपने मुताबिक, रिकमेंडेड, रिस्ट्रिक्टेड, जो भी आपने चीजें सेट करनी है आप अपने मुताबिक इसके अंदर कर सकते हैं। So, मैं यहां से इसको रिलैक्स में रख लेता हूं। सो मैं इसको सेट एज डिफॉल्ट कर देता हूं, ओके। अब मैं इस डॉक्यूमेंट को एक नया डॉक्यूमेंट कंट्रोल एन की मदद से ओपन करता हूं, तो देखिए इसके अंदर जो सेटिंग्स होंगी, मैं हेडिंग लिखूंगा ऑटोमेटिकली वो उसके अंदर शिफ्ट कर देगा। नोट कीजिएगा बुक एंटीका है, मैं लिखता हूं यहां पे नेम हेडिंग,
मैंने इसको बोल्ड किया, सो यहाँ पे उसने उसको भी सेट नहीं किया क्योंकि ये हेडिंग अभी बनी नहीं है, ठीक है। अब इसी तरह जब पैराग्राफ के अंदर मैं लिख रहा हूं तो देखें लाइन स्पेसिंग उसकी डबल है, सो यहाँ से लाइन स्पेसिंग देखें वो डबल शो कर रहा है जो कि 1.5 उसके स्टैंडर्ड में सेट हुई है। देखिए वो सारा उसको उसी प्लान के मुताबिक जो है वो आगे लिखता जा रहा है, ये देखें बुक एंटीका है सारी, क्लियर होगी बात। सो डिजाइन के अंदर आपका एक पोर्शन में आपके डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग है सारी, तो जो आप सेट कर देंगे वो उसके मुताबिक वर्कआउट करेगा। तो मैं यहां से थीम जो है वो कर लेता हूं, रीसेट टू थीम फ्रॉम टेम्पलेट्स, ओके, और ये वाला मैं ले लेता हूं और इसी को सेट एज डिफॉल्ट लेता हूं, तो वो डिफॉल्ट हो जाएगा, यानी कि हर दफा वही ओपन करेगा। ओके जी, उससे अगली चीज जो यहां पे है वो है वाटरमार्क्स। वाटरमार्क क्या होता है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में बैकग्राउंड पे, अक्सर आपने देखा होगा बैकग्राउंड पे वो टाइटल लगा होता है कि जनाब डू नॉट कॉपी, और यहाँ इस तरह लिखा होता है कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट, तो वाटरमार्क इस चीज को कहते हैं जो बैकग्राउंड पे लिखा जाता है। आप जैसे ये देखिए कॉन्फिडेंशियल, तो आप अपने लेटर्स के पीछे या इस तरह की ऑफिशियल कॉपी, फोटो कॉपी या इस तरह के जो सेंटेंस लिखते हैं वो बेसिकली ब्लर होके बैक साइड पे डॉक्यूमेंट के बैकग्राउंड में शो होता है। इसका पर्पज होता है ये लीगल, आपके पेज को लीगल कर देता है कि जनाब की लीगलाइज पेज है, ठीक है। आप यहाँ पे अपना नाम भी लिख सकते हैं, ये कस्टमाइज वाटरमार्क पे जाएं तो आप यहाँ पे जाके अपना नाम भी लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूं हाफिज सीरीज बुक्स, अप्लाई किया तो ये हाफिज बुक हो गया। सो ये आपके पास हर पेज पे लिखा आएगा। सो मैं आपको कॉपी करके चार पांच पेजेस पे ले जाता हूँ, देखें हर पेज पे वो हाफिज सीरीज बुक लिखी आ रहा है। सो इसको आप सेट भी कर सकते हैं, इसका डार्क करना है या जो भी आपने कस्टमाइज में जाके आप इसको डार्क कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, अरबिक यूज करनी है, तो अरबिक में जो लिखेंगे वो उसके मुताबिक लेके आएगा, ठीक है। जैसे सरील फातिहा, फॉन्ट उसका जो रखना है वो फॉन्ट सेट कर लें जी। मैं कहता हूँ टाइम्स न्यू रोमन है, सिलेक्ट कर लेते हैं जी इसको टाइम्स न्यू रोमन। साइज इसका मैं रखता हूँ जी 36, और कलर इसके लिए यूज करता हूँ मैं ये सेमी ट्रांसपेरेंट पे अनचेक करता हूँ, देखें वो प्रोमिनेंट होके शो होगा। सो डायगोनल करना है, हॉरिजॉन्टल करना है, किस स्कीम में करना है वो आपकी चॉइस है। देखें अगर आप इसको वो कर देंगे सेमी ट्रांसपेरेंट तो वो डिम होके शो होगा, अदरवाइज वो डार्क हो जाएगा। सो अप्लाई करके देखें ये डार्क हो गया। सो ये वाटर मार्क पीछे लगा देते हैं। सो रिमूव करना है तो यहाँ से रिमूव हो गया। इसी तरह आपके पास यहाँ पे मोर वाटरमार्क्स फॉर ऑफिस.com ऑनलाइन वेबसाइट पे जाके भी आप यहां से देख सकते हैं। सो काफी ज्यादा तादाद में वाटरमार्क्स इंटरनेट पे पड़े होते हैं, आप वहां से डाउनलोड करके भी यूज कर सकते हैं। नॉर्मली वैसे हम इस तरह डायगोनल ये यूज करते हैं, आप चाहें तो अपनी मर्जी के मुताबिक वाटरमार्क यूज कर सकते हैं, आप पिक्चर भी लगा सकते हैं। आप पिक्चर पे जाएं, सेलेक्ट पिक्चर, ये ऑफलाइन वर्क करना है, वर्क ऑफलाइन पे आ जाएं। सो वर्क ऑफलाइन पे आपको ले जाएगा इनसाइड पिक्चर। सो मैंने अभी वो ऑप्शन डिसेबल की हुई है तो इसलिए वो यहाँ पे शो नहीं होगा। खैर वो इंसर्ट पिक्चर में जाके आप सेलेक्ट पिक्चर करके अपनी पिक्चर भी सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो वो बैकग्राउंड पे पिक्चर आ जाएगी। सो वाटरमार्क का मेन पर्पस क्या है, डॉक्यूमेंट को लीगल करने के लिए, लीगलाइज करने के लिए हम बैकग्राउंड पे अपनी कोई तहरीर, कोई सेंटेंस, कोई वर्ड, कोई क्वेश्चन या कोई भी चीज आप लिखना चाहें वो आप मेंशन कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास पेज कलर। आपने कलर का पेज सेट करना है, कोई भी पेज, पूरे पेज का कलर सेट करना है। सो ये पूरे पेज का कलर ये हो जाएगा। सो जो भी आपको कलर अच्छा लगता है वो आप बैकग्राउंड पे कलर लगा दें। सो ये पेज कलर हो जाएगा। जब प्रिंट होके आएगा तो ये प्रिंट में आपको ऐसे शो करेगा, क्योंकि ये डिपेंड करेगा आपके पेज कलर के ऊपर, आप कौन सा पेज कलर यूज कर रहे हैं। कलर प्रिंटर होगा तो फिर ये कलर शो करेगा, अदरवाइज ये ब्लैक एंड व्हाइट ही शो करेगा। तो पेज कलर की पूरी एक इफेक्ट भी अवेलेबल है। आप टेक्सचर में जाएं, आप कहते हैं ये वाला मैंने लेना है तो ये वाला आप बैकग्राउंड सेट कर लें। इसी तरह पेज कलर में मोर कलर्स भी हैं, इफेक्ट्स के अंदर पैटर्न्स आ जाते हैं, ये वाला पैटर्न यूज करना है, देखिए ये वाला पैटर्न यूज हो गया। इसी तरह आपके पास कोई और भी इफेक्ट है तो आप वो भी पिक्चर को यूज करना चाह रहे हैं, आप पिक्चर भी यूज कर सकते हैं। आप तो पेज का कलर,